बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो और प्रॉपरली लॉकडाउन हो अपने अपने घरों में। तो सिंपथैटिक सिस्टम आपका ख़त्म हो चुका था कल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट कि आप सबके पास आपकी नोटबुक्स और पेन्स हों, क्योंकि आपको पता है प्रोफेसर मकसूद अपने लेक्चर में हमेशा आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कराते थे। तो वी वॉन्ट कि आप ये लेक्चर सुनते सुनते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन करो। प्लस लेक्चर के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और उसके आंसर्स जो हैं आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे तो फिर आपकी लेक्चर की अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू टेल द लोकेशन एंड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम ऑफ एल्फा रिसेप्टर्स। ये तो आप पहले कर चुके हुए हो जब आपने सिंपथेटिक सिस्टम किया, तो अब तक आपको एल्फा रिसेप्टर्स की लोकेशन और उसका सेकेंड मैसेंजर सिस्टम जो है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन अल्फा ब्लॉकर्स की आनी चाहिए, उनके यूजेस एडवर्स इफेक्ट्स आने चाहिए और आपको नोट भी आ सकता है एपिनेफ्रिन रिवर्सल पे। एंड आई वांट के लेक्चर के एंड में आप ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं अपनी नोटबुक्स में लिखो, इनके आंसर्स भी, ठीक है। और टू द पॉइंट लिखने हैं, बहुत छोटे छोटे से, और फिर उसकी बेसिस पे आपकी अटेंडेंस लगेगी और जो बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी उनकी बेसिस पे। तो पहले जरा देख लेते हैं कि अल्फा रिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है। सो अल्फा रिसेप्टर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, अल्फा वन एंड अल्फा टू, ठीक है। जब भी कोई अल्फा वन का नाम ले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए? ब्लड वेसल्स, आर्टीरियोल्स भी और वेन्स भी, ठीक है। दोनों में अल्फा वन रिसेप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको याद रखनी है अल्फा वन की, वो है वेस्क्यूलर स्मूद मसल, ठीक है, आर्टीरियोल्स के भी वेन्स के भी। उसके बाद आ जाता है प्रोस्टेट, बेस ऑफ द ब्लैडर और प्रोस्टेट के स्मूद मसल्स वो आ जाते हैं। फिर डायलेटर प्यूपिली मसल या रेडियल मसल ऑफ द आयरिस, ठीक है, एंड पाइलोमोटर स्मूद मसल। तो ये जो चार लोकेशंस हैं, जब भी अल्फा वन का जिक्र हो आपके माइंड में आनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले आनी चाहिए वो वेस्कुलर स्मूद मसल है। एंड रिमेंबर बोथ वेन्स एंड आर्टीरियोल्स और सेकेंड इज प्रोस्टेट, ठीक है। उसके बाद आता है ये रेडियल मसल ऑफ द आयरिस और पाइलोमोटर स्मूद मसल। तो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम आपने पढ़ा, अल्फा वन जो है और अल्फा टू, दे बोथ आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो अल्फा वन के साथ कौन सी जी प्रोटीन होती है? जी क्यू, और अल्फा टू के साथ जी आई। सो अल्फा वन जी क्यू कपल्ड हैं, तो उसका सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म क्या होगा कि आई पी थ्री और डैग को ये इंक्रीज करेंगे, और आई पी थ्री इंक्रीज होता है तो फिर कैल्शियम जो इंक्रीज होती है, कैल्शियम ज्यादा होगी तो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होगी स्मूथ मसल्स की, इसीलिए वेस्कुलर स्मूथ मसल की ये कॉन्ट्रेक्शन कराते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा तो पेरिफ्रल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पेरिफ्रल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ये नॉर्मली जो अल्फा रिसेप्टर प्योर होता है उसकी बात करें। फिर प्रोस्टेट में भी एक प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रेक्शन कराता है, रेडियल मसल ऑफ द आयरिस की कॉन्ट्रेक्शन कराएगा तो क्या होगा, प्यूपिल की डायलेशन होगी यानी मिड्रियासिस कराता है, और पाइलोमोटर स्मूथ मसल जो है इरेक्टर पाइलाई मसल उनकी कॉन्ट्रेक्शन कराएगा तो इरेक्शन ऑफ हेयर कराता है जिससे गूज बम्प्स होते हैं। तो अल्फा वन रिसेप्टर के ये आपने देख लिया कि ये उनकी लोकेशंस हैं और एक्शंस क्या होंगे इनके सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट आते हैं अल्फा टू पे। अल्फा टू का जो आपने बेसिकली याद रखना है वो एड्रिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में प्री साइनाप्टिकली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इट इनहिबिट्स द ट्रांसमिटर रिलीज, ठीक है। तो अल्फा टू अगर एड्रिनर्जिक न्यूरॉन का अल्फा टू रिसेप्टर है प्री साइनाप्टिक वाला, तो वो क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करेगा जब स्टिमुलेट होगा, ठीक है। और कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी होते हैं, फैट सेल्स में होते हैं, जहां इनहिबिट करेगा लाइपोलिसिस, और प्लेटलेट्स में इनहिबिट करेगा एग्रीगेशन, या जीआई कपल्ड होता है साइक्लिक एएमपी को कम करता है, तो इससे इनहिबिटरी एक्शंस आपके माइंड में आनी चाहिए। और मेन इसमें जो आपने याद रखना है कि इट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं। फिर आप क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफाई हम इनको करते हैं नॉन सिलेक्टिव में अल्फा वन सिलेक्टिव और अल्फा टू सिलेक्टिव में। नॉन सिलेक्टिव है तो ऑब्वियसली इट विल ब्लॉक बोथ अल्फा वन एंड अल्फा टू। अल्फा वन सिलेक्टिव जो है उनका जो ब्लॉकेड है वो ज्यादा होगा फॉर अल्फा वन एज कम्पेयर टू अल्फा टू, और अल्फा टू का जो है वो अल्फा टू के लिए ज्यादा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जो अल्फा वन सिलेक्टिव है वो अल्फा टू को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी अल्फा वन के लिए इतनी ज्यादा होती है जैसे कोई 1000 times ज्यादा होगी अल्फा टू से, तो उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको अल्फा वन सिलेक्टिव और अल्फा टू सिलेक्टिव कह रहे होते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव में जो दो नाम आपने याद रखने हैं वो हैं फेंटोलामीन
और फिनॉक्सीबेंजामीन. फिनटोलामीन की सिलेक्टिविटी अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों के लिए इक्वल है और फिनॉक्सीबेंजामीन जो है उसकी अल्फा 1 के लिए सिलेक्टिविटी ज्यादा है लेकिन अल्फा 2 को भी करता है. ठीक है. फिनटोलामीन इज रिवर्सिबल ब्लॉकर एंड फिनॉक्सीबेंजामीन इज इरिवर्सिबल ब्लॉकर. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स आप पढ़ चुके हो. रिवर्सिबल वाले कंपेटिटिव एंटागोनिज्म होता है और इरिवर्सिबल का नॉन कंपेटिटिव एंटेगनिज्म होता है. मतलब अगर आप फिनटोलामीन दे रहे हो और आप एगेनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते हो तो वो ब्लॉकेट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो इरिवर्सिबल ब्लॉकर है तो इसका रिवर्स नहीं हो सकता. और फिर अल्फा 1 सिलेक्टिव में जो आपने नाम याद रखने हैं, प्रेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, टेरेजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टेम्स्यूलोसिन और साइलोडोसिन. टेम्स्यूलोसिन और साइलोडोसिन को इसलिए याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये दे आर फर्दर सिलेक्टिव फॉर अल्फा 1 ए सब टाइप. ठीक है. अल्फा 1 ए की भी फर्दर सब टाइप्स होती हैं, अल्फा 1 ए, अल्फा 1 बी, अल्फा 1 डी. जो 1 बी होती है वो ब्लड वेसल्स में ज्यादा होते हैं. अल्फा 1 ए जो है उसकी सिलेक्टिविटी जो है वो अल्फा 1 ए ज्यादा होते हैं इन द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट. तो टेम्स्यूलोसिन और साइलोडोसिन की ज्यादा सिलेक्टिविटी है फॉर अल्फा 1 ए. ये पॉइंट आपने याद रखना है, आगे आपको इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है वो हम बताएंगे. ठीक है. फिर अल्फा 2 सिलेक्टिव है यूहिम्बीन और एक ड्रग है रोवलसीन. रोवलसीन सिर्फ रिसर्च ड्रग है, उसका कोई अभी क्लिनिकल यूज नहीं है. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन आपने इसकी याद करनी है. इसमें आपको रिलेटिव सिलेक्टिविटी बताई गई है रिसेप्टर एफिनिटी के रिलेटिव. जैसे अब देखो हमने बात की थी कि अल्फा 1 सिलेक्टिव जो है प्रेजोसिन, टेरेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, उसकी देखो कितने टाइम्स ज्यादा सिलेक्टिविटी है अल्फा 1 की एज कंपेयर टू अल्फा 2, इसलिए हम उसको अल्फा 1 सिलेक्टिव कहते हैं. ठीक है. देखो कितना ज्यादा ये सिलेक्टिव है फॉर अल्फा 1. इसी तरह फिनॉक्सीबेंजामीन की हमने बात की थी कि अल्फा 1 की सिलेक्टिविटी ज्यादा है अल्फा 2 से, मगर इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखो आप तो इसलिए इसको हमने नॉन सिलेक्टिव में डाला हुआ है क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिलेक्टिविटी ज्यादा है अल्फा 1 के लिए. फिनटोलामीन की इक्वल है और यूहिम्बीन, टोलेजोलीन जो है अल्फा 2 को ज्यादा ब्लॉक करते हैं. और मिक्स्ड एंटागनिस्ट होते हैं लेबिटलॉल, कार्बिडोलॉल जो बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं. इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं कि ओरल एज वेल एज पारेंट्रल प्रिपरेशंस आर अवेलेबल ऑफ द ड्रग्स, बट फिनटोलामीन इज रेयरली गिवन ओरली. फिनटोलामीन क्या थी? नॉन सिलेक्टिव. फिनॉक्सीबेंजामीन हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 14 से 48 आवर्स तक होता है बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल ब्लॉकर. फिनटोलामीन हैज अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 2 to 4 आवर्स व्हेन यूज्ड ओरली एंड 20 to 40 मिनट्स व्हेन गिवन पारेंट्रली. प्रेजोसिन एंड अदर अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स एक्ट फॉर 8 to 24 आवर्स. इनमें सबसे शॉर्ट एक्टिंग प्रेजोसिन होता है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो है वो डॉक्सेजोसिन है. ठीक है. अल्फा 1 सिलेक्टिव में से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख लो. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सिर्फ इसमें फिनॉक्सीबेंजामीन है जो इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है अल्फा रिसेप्टर्स को, बाकी सब जो है दे आर कंपेटिटिव एंटागनिस्ट्स. ठीक है. सो फिनॉक्सीबेंजामीन बाइंड्स कोवेलेंटली टू द अल्फा रिसेप्टर, thereby producing an irreversible blockade, whereas the other agents are competitive antagonists. ठीक है. तो फिनॉक्सीबेंजामीन और फिनटोलामीन जो है नॉन सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 को, जिसमें से फिनॉक्सीबेंजामीन इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है और फिनटोलामीन रिवर्सिबली ब्लॉक करता है. और बाकी प्रेजोसिन, डॉक्सेजोसिन, टेरेजोसिन, टेम्स्यूलोसिन जो है वो अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं और कंपेटिटिव ब्लॉकेड होता है उनका. और यूहिम्बीन का अल्फा 2 को ब्लॉक करता है कंपेटिटिवली. ठीक है. और फिनॉक्सीबेंजामीन का यहां पर आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, इट आल्सो ब्लॉक्स H1 रिसेप्टर्स जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर, ये वो मस्करिनिक रिसेप्टर जो हैं, उसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर. ठीक है. तो उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा हिस्टामिन, मस्करिनिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा है. आप देख लो कि कोवेलेंटली जो है ये ब्लॉक करता है फिनॉक्सीबेंजामीन. ठीक है. अपने रिसेप्टर को इरिवर्सिबली. एंड फिर क्या, अगर कोई ड्रग इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है रिसेप्टर को, द ओनली वे टू ओवरकम द एंटेगनिज्म क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ न्यू रिसेप्टर्स. ठीक है. इसीलिए इसका इतना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि जब तक नए रिसेप्टर्स जो है वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी तब तक जो एगनिस्ट है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता.
ठीक है, और जो कंपेटिटिव एंटेगनिज्म होता है उसका इफेक्ट जो इट कैन बी सरमाउंटेड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगनिस्ट। अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देख लेते हैं, अलग अलग देखेंगे नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के और फिर सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के। ठीक है, सो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो हैं जैसे फिनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामीन है, सबसे पहले हम देखेंगे उनका इफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। उनके ब्लड वेसल्स में हमने देखा था कि मेनली उनका एक्शन कहाँ है, ब्लड वेसल्स पे। सो दे रिड्यूस द आर्टीरियोलर एंड वीनस टोन एंड दस डिक्रीज पेरिफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अल्फा वन रिसेप्टर्स का हमने बात की थी कि मेन लोकेशन उनकी क्या है, आर्टीरियोल्स और विन्योल्स, आर्टरीज और वेन्स जो है वहां पर वो मेनली होते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करता कराते हैं। ठीक है, उनकी स्टिमुलेशन हो तो अगर उनको ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा कि वेजो डायलेशन होगी। ठीक है, पेरिफ्रल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दे ऑल्सो कॉज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का दूसरा नाम पोस्टरल हाइपोटेंशन भी होता है। और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन होती क्या है कि जब बंदा अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे सिटिंग पोजीशन से वो स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा या लेटा हुआ है उससे वो बैठेगा, तब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करेगा। और ये क्यों होता है, जैसे ही हम खड़े होते हैं ग्रेविटी जो है वो पुल करेगी ना ब्लड को डाउनवर्ड्स, तो वेन्स जो होती हैं दे आर कैपेसिटेंस वेसल्स, तो हमारी लेग्स में जो वेन्स हैं और जो आर्टीरियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ब्लड जो है वो नीचे पूल ना हो और वापस ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, अब आप ये सोचो अगर वो वाले जो वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी तो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी सारी नीचे। ठीक, तो ब्रेन को भी ब्लड नहीं जाएगा तो पर्सन को डिजीनेस होगी, ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो रही है, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं उसको। ठीक है, अब जब ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी तो बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा करेंगे तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। तो आपको समझ में आ गई कि एक ब्लड प्रेशर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही है वेजो डायलेशन की वजह से, फिर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्यों हो रही है और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है। एक पॉइंट जो यहाँ पर आपने याद रखना है कि टैकीकार्डिया इज मोर मार्क्ड विद द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स। क्यों, क्योंकि ये अल्फा टू को भी ब्लॉक कर रहे हैं और हमने अभी बात की थी कि अल्फा टू जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं जो कि हार्ट में भी हैं वो क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को ज्यादा करेंगे, क्योंकि अल्फा टू का नॉर्मली काम क्या है, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करना जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है, तो जब आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो नॉरएपिनेफ्रीन का रिलीज ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा और इस वजह से टैकीकार्डिया इनसे ज्यादा होगा। जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं ये टैकीकार्डिया दो तरह से करें, एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो ही रहा है और एक डायरेक्टली हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये देख लो, ये अल्फा टू प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर है। ठीक है, जैसे जो हार्ट का एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है वहां पर अगर आप इसकी बात करो तो इसने क्या करना था, नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करना था। अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज ज्यादा होगी, और रिलीज ज्यादा होगी तो आपको पता है नॉरएपिनेफ्रीन का पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट है, तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, इसलिए टैकीकार्डिया इनसे ज्यादा हो रहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स प्रोड्यूस मोर टैकीकार्डिया एज कंपेयर टू अल्फा वन सिलेक्टिव। अब वो क्यों है आपको पता लग गया कि एक तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो रहा है और ये डायरेक्ट जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर्स। सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स भी सीवीएस पे क्या करेंगे, दे विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जैसे हमने बात की थी, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा वेजो डायलेशन की वजह से, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करेंगे, बट दे विल कॉज मच लेस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देन द नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स बिकॉज दे ब्लॉक वेस्कुलर अल्फा वन रिसेप्टर्स मच मोर इफेक्टिवली देन द अल्फा टू। ठीक है, अल्फा टू को नहीं कर रहे हैं इतना ब्लॉक, तो इस वजह से सिर्फ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, दूसरा वाला टैकीकार्डिया उसमें ऐड नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह सोच सकते हो कि आप दो पेशेंट हैं, एक को आपने दी फेंटोलामीन और एक को आपने दी प्रेजोसिन। ठीक है, तो फेंटोलामीन खाने के बाद उसका अगर हार्ट रेट पहले पेशेंट का था लाइक 80 दोनों पेशेंट्स का, तो फेंटोलामीन वाले का अब हो गया होगा 140 और जो प्रेजोसिन वाले उसका होगा 120। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि दोनों में टैकीकार्डिया का डिफरेंस क्यों है कि एक में जो है इट इज 120 और दूसरे में इट इज 140 और 160, तो आप बताओगे कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया तो ये करता ही है लेकिन जो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं वो
अल्फा प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज ज्यादा करें, उसकी वजह से भी टैकीकार्डिया हो रहा होता है। अब अदर इफेक्ट्स देख लेते हैं। आईज में अभी हमने बात की थी कि ये होता है रेडियल मसल ऑफ द आयरिस पे और उसको स्टिमुलेट करके अल्फा रिसेप्टर से क्या होता है मिड्रियासिस, ठीक है। तो जब आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो सिंपथेटिक सिस्टम वाला आपने ये ब्लॉक कर दिया तो पैरासिंपथेटिक सिस्टम डोमिनेट कर जाएगा, तो पैरासिंपथेटिक का इफेक्ट आइज पर क्या आता है वो म्यूसिस कराते हैं, तो इसलिए म्यूसिस होगा और जो नेजल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन होगी तो नेजल कंजेशन होगी और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स को भी ये रिलैक्स करता है जिसकी वजह से इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ यूरिन। तो बीपीएच के पेशेंट्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होने देगा।